राम राम। सामने हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो से रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुझमें बस जाना सॉन्ग पे। ये है प्रेम गीत 3 में, इसमें है प्रदीप सर और क्रिस्टीना मैम और इस गाने को गाया है पलक और देव सर ने। तो सबसे पहले हम ये सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो वाला गाना लग रहा है, हाथी दूंगा। इस पे मैं रिएक्शन कर रहा था। ये इसका है तेरे प्यार की बारिश को तरसे दिल की जमीन, दिल पे इश्क बरसाना। तन्हा हूँ मैं, मुझको खलती है तेरी कमी, मुझे मुकम्मल कर जाना। तुझको जाना रखना होगा मेरी आंखों का सबसे पहला सपना। इतनी चाहत मुझको है काफी, जब चाहे तो आजमा लेना मेरी वफादारी। सुन करके तेरी ऐसी ये बातें, मर जाऊं मैं। तू कहते तो दे दूंगा जान, ये अभी करूंगा ना बहाना। तन्हा हूं मैं, मुझको खलती है तेरी कमी, मुझे मुकम्मल कर जाना। मुझ में बस जाना। मुझको होने लगा है यकीन, तेरे बिना कितनी थी अधूरी ये मेरी जिंदगी। जो भी है बाकी अब जिंदगानी, वो कर्ज है हम पे चुकाना है। आओ करने वादा ऐसा, टूटे ना टूटे ना, संग ये छूटे Thank you.
सो गाइस ये था मुझ में बस जाना सॉन्ग। और ये सॉन्ग मतलब हमने पहले मतलब नेपाली लैंग्वेज में सुना था, उसका नाम था हाथी दूंगा। और वो मतलब वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। और उस गाने को देख के फिर हमने सोचा पता नहीं हिंदी लिरिक्स कैसे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सेट बैठे और बिल्कुल अच्छा गाया है इन दोनों ने। और जो आवाज लग रही ना दोनों की बहुत ही अच्छी लग रही है। और ज्यादा मुझे पलक मैम की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है उनके, उन्होंने जो भी जितना भी गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लिरिक्स थे ना वो स्पेशली काफी अच्छे थे, तो कनेक्ट कर पा रहे थे। और वैसे इस मूवी के जितने भी सॉन्ग जो हिंदी में भी आए ना वो सब मतलब बिल्कुल अच्छे है, एकदम बढ़िया सॉन्ग है। और ताकि अगर जो इंडिया में जो ये लोग मूवी देखेंगे तो उस टाइम थिएटर में लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए मतलब सॉन्ग अच्छे होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये इस मूवी के सॉन्ग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और स्पेशली इस गाने में जो कोरियोग्राफी की गई है, जो डांस स्टेप्स है, जो जितने मूव्स कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रदीप सर को देख लीजिए, क्रिस्टीना मैम को देख लीजिए, काफी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था, जैसा ओरिजिनल लैंग्वेज में था उतना अच्छा हिंदी में भी आया है। तो दोनों ये सॉन्ग हमें बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब नेपाली वाला भी और हिंदी वाला भी। तो हमें ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल को यही बनाए रखना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.